नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। स्वागत है आपका TV20 न्यूज में। खबरों की शुरुआत करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। वैश्विक महामारी व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जनपद में लॉकडाउन को सफल बनाने एवं गरीब निर्चाचित को इस संकट के दौरान सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधायक मुबारकपुर शाह आलम कुड्डू चमाली द्वारा पूरे जनपद में निःशुल्क खाद्य सामग्री निरंतर वितरित किया जा रहा है और जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक विधायक द्वारा गरीबों असहायों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान विधायक मुबारकपुर और द्वारा अब तक पूरे जनपद में लगभग 20,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित किया जा चुका है। फिर जमाल ने मुबारकपुर विधानसभा सहित पूरे जनपद की जनता से इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने एवं लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील किया है। श्री जमाली ने प्रदेश सरकार से मांग किया है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा किया जाए जिसमें खदान के साथ साथ बुनकरों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाए। विधायक का कहना है कि मेरे शरीर में एक एक बूंद खून रहने तक किसी भी गरीब को भूखा मरने नहीं दूंगा। विधायक ने इसलिए अपने कई मोबाइल नंबर जारी कर दिए हैं कि जरूरतमंद जब भी चाहे इन नंबरों पर बात करके राहत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। विधायक ने कहा कि जनपद के सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठन इस महामारी में प्रशासन के सहयोग से जनता को जरूरत के सामान उपलब्ध कराते रहें, तो वही उन्होंने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। लाड़ी वाला कोई ले गया भाई, कोई लाड़ी वाला, कोई लाड़ी से प्रधान जी का फोन आया था, पता नहीं मैंने नोमान से कहा था ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं। विधायक जी, ये राहत कार कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? देखिए, आज ये 25वां दिन है, 25 तारीख से शुरू हुआ था, आज 18 तारीख हो गई तो 25वां दिन है ये आज, और ये चलता रहेगा अभी जब तक इस लॉकडाउन में, क्योंकि कठिन समय है, लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयासरत है कि सबको मिले, इसमें कोई शक नहीं है, प्रशासन मेहनत कर रहा है, मगर हम लोग चूँकि समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि के साथ साथ भाई इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, कि हम लोगों का भी जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलजुल करके इस मुसीबत के वक्त में अपने लोगों के साथ खड़े हों। आप विधायक जी, ये राहत सामग्री आप कहाँ कहाँ भिजवा रहे हैं, सिर्फ मुबारकपुर या पूरे ज़िले में, और कैसे ये आप घरों तक भिजवा रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले भी मैं कह चुका हूं कि मुबारकपुर से मैं विधायक हूं, मेरा तो विधानसभा है वो, लेकिन ये पूरे ज़िले में मैं कर रहा हूं, ये पूरे मैं ज़िले में कर रहा हूं, और लगभग अभी तक मैं 21,000 परिवारों तक राशन पहुँचा चुका हूँ। और एक बात ये बहुत उससे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से, कि इसका मकसद राजनीति का तार नहीं जी, ये राजनीति नहीं, ये इंसानियत। मेरा मानना है कि ऐसे कठिन समय में सबको, सारे लोगों को, खाली जनप्रतिनिधियों को नहीं, समाज के संपन्न लोगों को, और लोग कर भी रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे ज़िले में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये चलता रहेगा जब तक थोड़े हालात नॉर्मल नहीं होते और लॉकडाउन में थोड़ा ढील नहीं हो जाती, मूवमेंट नहीं होता, तब तक ये